नमस्कार और स्वागत है आप सभी का HCN न्यूज में। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद लोकसभा में अपने भाषण से फेमस हुए लद्दाख के सांसद जामियांग का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में नांगियाल यहां 73वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाते हुए नाचते नजर आ रहे हैं। वीडियो में नांगलियान लोगों के साथ मस्ती में झूमते नजर आ रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग सांसद के डांस को देखने के लिए खड़े हैं। आपको बताना चाहेंगे, नांगलियान ने पहले भी अपने डांस मूव से लोगों के दिल में जगह बनाई है। अपने भाषण से रातों रात फेमस हुए भाजपा सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्र में अक्सर स्थानीय लोगों के साथ जश्न में नाचते नजर आते रहे हैं। लद्दाख के सांसद जामयांग शेरिंग नांगमलियान जश्न के दौरान आम लोगों के साथ सड़क पर नाचकर खुशी का इजहार किया। उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव के साथ स्थानीय पार्टी ऑफिस में झंडा भी फहराया। इससे पहले नांगमलियान की ओर से एक वीडियो जारी किया गया। इस वीडियो में दिख रहा है कि वो अनुच्छेद 370 हटने के बाद लेह पहुंचे हुए थे। इस दौरान लेह के लोग उनका स्वागत भी कर रहे थे। वीडियो में दिख रहा है कि लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने पर वहां के लोग भी काफी खुशी से फूले नहीं समा रहे। उनके हाथ में तिरंगा था और वहां लोगों के साथ संगीत की धुन पर डांस भी कर रहे थे। संसद में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने और लद्दाख को केंद्र शासित बनाए जाने के बिल पर जब चर्चा हो रही थी, तब सांसद जामयांग के भाषण की काफी चर्चा हुई थी। भाषण में उन्होंने पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधते हुए कहा था कि अनुच्छेद 370 की वजह से लद्दाख की पहचान छुपी रही। कश्मीर के नेता भारत सरकार से पैसा ले जाकर घाटी में ही रखते थे, इसके चलते लद्दाख पूरी तरह से पिछड़ा रह गया। जामयांग शेरिंग ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम अपने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। इस दौरान उन्होंने उन 4 युवा नायकों को नमन भी किया जिन्होंने लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए कुछ साल पहले आंदोलन करते हुए अपने प्राण भी गंवा दिए थे। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद राज्य में स्वतंत्रता दिवस समारोह पूरी धूमधाम के साथ मनाया गया। राज्यपाल सत्यपाल मलिक के निर्देश पर जम्मू कश्मीर की पंचायतों में सरपंचों ने तिरंगा फहराया। राज्यपाल ने सभी डिप्टी कमिश्नरों को निर्देश दिया था कि ये सुनिश्चित बनाया जाए कि राज्य की हर पंचायत में सरपंच तिरंगा फहराए। ये पहला मौका था जब पंचायत में भी तिरंगा फहराया गया। राज्य का मुख्य समारोह श्रीनगर के शेर ए कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में हुआ। इससे पहले राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने तिरंगा फहराया और मार्च की पोस्ट को सलामी ली। जम्मू कश्मीर प्रशासन के मुख्य प्रमुख सचिव रोहित कंसल ने बताया कि राज्य के सभी जिलों, पंचायतों और गांवों में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान शांति रही। आतंकवादियों के गण पुलवामा, बारामूला, शोपिया, अवंतीपुरा और अनंतनाग में भी जिले के डिप्टी कमिश्नर ने तिरंगा शान से फहराया। ऐसे में दर्शक जामयांग के इस खास डांस के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और जो लोग अच्छी न्यूज को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। धन्यवाद।